Okay, hi everybody. Good morning. And I was just testing on the other phone. How is everybody today? And super happy to have all of you live with me for your class, Sexuality Matters. And today's topic is, can pornography be considered as sex education? Okay. All right. So let's see who all are live with me, and put in a comment, put in a hi, hello, how are you, Niyatii? Some comment for me so that I know you're live with me. Who am I talking to? Please put in your comments, put in your questions in the comments. So yes, Parvez, hello, good morning, long time. So very, very happy to see a lot of people joining in for an important class today, because while we are happy about pornography, I know, but we are also worried about pornography. So let's discuss where this is going and what is exactly happening with pornography and sex education. Now, this is a new angle, actually. Can pornography be considered sex education? But I know for a fact that ye bahar aise socha ja raha hai, aur jab hum poochte hain to reasons mil rahe hain waise. Lekin dekhte hain, iske baare mein baat karte hain. And let me just very quickly introduce you. My name is Niyatii N Shah, and I am your GOQii coach. Today's class is on sexuality matters, and today's topic is, can porn be considered sex education? So let's begin. Hello, Ashish. Okay, so we also have Jipal. Hello, good morning. It feels so good, you know, कि हम, you know, जब आप hi, hello बोलते हैं तो अच्छा लगता है, पता चलता है कि हाँ लोग हैं जो सुन रहे हैं, जो सामने बात करेंगे, एक interaction होगी, तो मज़ा आता है. Please, आप smile कीजिए, thumbs up डालिए, good morning कीजिए, hello बोलिए, and I am sorry, लेकिन let's make this interactive, okay? क्योंकि सिर्फ मैं बोलूँगी तो ज्ञान हो जाएगा, लेकिन आप सामने पूछेंगे और बात करेंगे तो एक इंटरेक्शन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है. Got it? So let's begin. So पहले तो ये pornography आई ही क्यों? Why is pornography even existing? So pornography is existing because हमें मालूम है कि human का जो brain है, जो psychology है, उसे काफ़ी चीज़, उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या नहीं अच्छा लगता है. और जब हम ह्यूमंस को कुछ पता चल जाता है कि ह्यूमन माइंड को ये अच्छा लगता है, उसको बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए टाइम नहीं लगता हमें, राइट? सो पोर्नोग्राफी आल्सो स्टार्टेड समवेयर, ये जानते हुए कि ये एक ह्यूमन माइंड को अच्छा लगेगा. एंड ऑफकोर्स कुछ सदियों से हमारी कंट्री और हमारे कल्चर में काफ़ी ह्यूज बदलाव आया है, और हम ऐसे नहीं थे जो सेक्स और सेक्सुअलिटी को गंदा कहते या बुरी नज़र से देखते, या अगर कोई बात कर रहा है ये टॉपिक पे तो उसको बुरी तरह से देखते कि ये ऐसे टॉपिक पे कैसे बात कर सकते हैं. हमारा देश वो है जहाँ से कामसूत्र लिखा गया है. कामसूत्र इज़ लाइक द गॉड, ओके, फॉर every human on this earth. It's a कैसे बोला जाए, ये टेक्स्ट बुक है हमारी भाषा में अगर बोल रहे हैं तो. ये एक बुक है जो सब सिखाता है. ये सिर्फ सेक्स पोजिशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये हर चीज़ जो मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली जो सेक्स और सेक्सुअलिटी के टॉपिक्स में बैठती हैं वो ये बुक है. तो यहाँ से तो वो तो इतने सालों, आई मीन सालों तो क्या बोल रही हूँ मैं, यू नो, आई मीन इट इज़ सो ओल्ड एंड दिस इज़ हु वी आर. हमारे रूट्स सेक्स और सेक्सुअलिटी को लेके बहुत ओपन है, बहुत ही एक्सेप्टिंग है. कामसूत्र जब लिखी गई थी वो एक साइंस और मॉरल वैल्यूज़ और ह्यूमन साइकोलॉजी, एक साइंस और आर्ट को मिला के लिखी गई थी. ना ही ये प्योर साइंस है, ना ही ये प्योर आर्ट है, ना ही ये सिर्फ साइकोलॉजी है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ इट, राइट? तो अगर ये हम समझ रहे हैं कि एक अलग नज़रिया है सेक्स और सेक्सुअलिटी को देखने के लिए, तो ये पॉर्न जब इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन वो ये एग्जैक्ट तो अभी पता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इट वॉज़ नॉट यूज टू एडुकेट.
it was used more to fulfill that pleasure tank. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ. काफ़ी सालों से सेक्स और सेक्सुअलिटी को लेके काफ़ी दबाव है हमारे कल्चर और कंट्री में. पीपल आर नॉट टेकिंग दिस टॉपिक वेरी ओपनली एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट. वी मेड इट अ टैबू. तो जब अब बात ही नहीं कर रहे पहले एटलीस्ट यू नो एंसेस्टर यानी पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स से सोसाइटी से एजुकेशन मिलता था. अब तो वो टॉपिक ही बंद हो गया है. कोई बात ही नहीं करेगा. कोई घर पे भी चूचा भी नहीं करता है. कोई यू नो आई मीन इट इज़ लाइक अगर कोई कपल को हाथ पकड़ के हुए या तो बैठे हुए साथ में यू नो कोजी एंड नाइस एंड कडली तो हम बोलते हैं कि ऐसे कैसे बैठे हो आप एल्डर्स के सामने, ठीक से बैठो. ये हमारा संस्कार, ये हमारी संस्कृति नहीं है. लेकिन हमारी संस्कृति यही है समझने की कि ये शादी की हुई कपल है, वो साथ में बैठे हैं, वो अपना रिलेशनशिप, वो अपना बॉन्डिंग क्लोज कर रहे हैं. लेकिन कमिंग बैक टू द पोर्नोग्राफी पार्ट ऑफ इट, ऐसा हुआ है कि ये एक टैबू बना दिया गया है. पोर्नोग्राफी एडुकेट नहीं कर रही थी. पोर्नोग्राफी कहीं ना कहीं वो जो टैंक जो खाली हो गई है ना उसको भर रही थी, वो प्लेजर टैंक को. आप समझ रहे हैं. सो अब ये पोर्नोग्राफी अगर एडुकेटिव पार्ट होती थी तो प्रॉब्ली इट वुड हैव बीन ग्रेट एज सेक्स एजुकेशन. अगर आप खजुराहो जाओगे, ओके, यू सी ऑल दी स्कल्पचर्स, नाउ दैट इज लाइक लिटरली लाइव, राइट? यू सी ऑल द पोजिशंस, यू सी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ नॉट ओनली पोजिशंस बट देर इज ग्रुपिज्म, देर इज थ्रीसम, देर इज ओरल, देर इज एवरीथिंग ऑन खजुराहो. सो इफ दैट वॉज मेड इन आवर कंट्री बाय आवर किंग्स, आवर यू नो लेमैन पीपल, हमारे वो जो गांव हुआ करता था, मे बी तब भी, या तो शहर बोलो या तो टाउन बोलो, वहाँ के लोग वर ओके अबाउट इट. उन्होंने बनाया है साथ में, राजाओं ने पैसे दिए होंगे, वो टेंपल कहा जाता है, वहाँ पे प्रीस्ट्स होते हैं. तो कैसे हम इसको, तो वो तो लाइव है ना. व्हाट आई मीन टू से इज पोर्नोग्राफी इज नॉट ओनली वीडियोज, इट्स ऑल्सो पिक्चर्स, राइट? तो ये तो लाइव यू नो स्ट्रक्चर है पूरा. तो इसे भी पोर्नोग्राफी माना जा सकता है. लेकिन इट हैज़ अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. वो जब बनाया गया था इट हैड सम एंगल ऑफ नॉर्मलाइजिंग इट, एजुकेशन था. यू नो हाउ हमारे एंसेस्टर्स सब दीवार पे, देर वॉज अ वे ऑफ एडुकेटिंग एंड देर वॉज अ वे ऑफ एक्सेप्टेंस. तो वैसी पोर्नोग्राफी अभी आई डोंट नो इफ आई कैन यूज़ द वर्ड ऑल्सो पोर्नोग्राफी, बट नाउ इन आवर कंट्री इट इज़ नॉट अलाउड टू see anybody live, or even if therapists are working, it you cannot have the couple, you know, in front of you doing anything. But pornography ek aisi cheez ho gayi jo koi baat nahi kar raha tha, wo pornography baat karne lagi. Sex kaise hota hai, nobody talks, everybody thinks it's intuitive, wo intuitive ho jayega. Hota hai, main mana nahi kar rahi hu, lekin उसके साथ जो हाइजीन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हाउ टू सेटिस्फाई अ मैन और हाउ टू सेटिस्फाई अ वुमन, या तो अगर आपको ये हेल्थ इश्यू है तो ये आप कीजिए अपने पार्टनर के साथ. वाई फोर प्ले इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई आफ्टर प्ले इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई पिलो टॉक इज़ इम्पॉर्टेंट, वॉट इज़ दिस रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, ये सारा कुछ एलिमिनेट हो गया है. तो ये जब एलिमिनेट हो गया है तो इसको रिवाइव कैसे करें? तो पोर्नोग्राफी एक इंडस्ट्री बन गई, एक इंडस्ट्री बन गई जो ये सेक्स दिखाने लगी. यू इट शोज द सेक्स. सो नाउ पीपल हु डोंट नो व्हाट सेक्स इज, दे डोंट नो व्हाट टू डू विद द मैन और द वुमन, विल गो टू पोर्नोग्राफी टू गेट एडुकेटेड. नाउ यही चीज़ अगर अच्छे से ओपन क्लास में, यू डोंट हैव टू डू इट देयर, राइट? बट यू कैन टॉक अबाउट इट, यू कैन शो इलस्ट्रेशंस, यू कैन एडुकेट पीपल, विच ऑफ कोर्स we are doing, you know, on GOQii platform. तो अगर वो होता था, प्री मैरिटल एक वर्कशॉप हो, पोस्ट मैरिटल एक वर्कशॉप हो, कि पहले यहाँ से शुरू कीजिए, स्लोली स्लोली यू ग्रेजुएटिंग नाउ, बेबी प्लानिंग तक एंड फर्दर ऑन, कितना फ़र्क पड़ जाएगा अगर एक कपल को गाइड किया जाए कि आपकी सेक्स लाइफ कैसी होनी चाहिए. अब पोर्नोग्राफी वो गाइड बन चुकी है. अब तकलीफ यहाँ है, सपोजिंग आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, अभी इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट है, ओके, आप टेल मी हाउ यू लाइक इट. आप अगर कुक करते हैं या नहीं भी करते, यू नो दैट अगर कोई नई डिश बनानी हो तो डेफिनेटली हम रेसिपी देखने, आजकल तो
यूट्यूब पे चले जाएंगे या तो किसी का वीडियो देख लेंगे हाउ टू मेक अ डिश. नाउ इफ़ यू आर गोइंग टू फोकस ऑन द इंग्रेडिएंट्स एंड द मेजरमेंट्स लाइक ओके इतना डाला आप एग्जैक्ट मेजरमेंट करके तो डालते नहीं हैं, आप अपने हिसाब से डालते हैं, आपको कैसा स्वाद चाहिए उसके हिसाब से चाहिए. तो अगर ये कुक रेसिपी बन रही है और अगर आप इंग्रेडिएंट्स फॉलो कर रहे हैं, मेथड फॉलो कर रहे हैं, तब तक ठीक है. लेकिन अगर आप ये बोलने लगे कि उसका किचन तो कितना ब्यूटीफुल है, वो टाइल मुझे चाहिए, उसकी क्रॉकरी कितनी अच्छी है, वो कैसे अच्छे से गैस पे बना रही है, मुझे ऑटोमेटिक गैस भी चाहिए, तो द फोकस इज लॉस्ट. तो पोर्नोग्राफी कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड में ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ सेक्स ऐसे किया जा सकता, सेक्स ऐसे करते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैन कैसा दिखना चाहिए, वुमन कैसी दिखनी चाहिए, आधा घंटा चलना चाहिए, पौना घंटा चलना चाहिए, मेरे में इतनी स्टैमिना होनी चाहिए, वो पूरा जो एसेंस है वो रेसिपी का, जो स्वाद है ये सेक्स और सेक्सुअलिटी का, उस पर तो कोई फोकस ही नहीं कर रहा है. तो ये डिश कैसे बनेगी, आप समझ रहे हैं? अगर डिश बनानी है तो इंग्रेडिएंट इम्पॉर्टेंट है, मिक्सिंग इम्पॉर्टेंट है, उसको टेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है, टेस्टिंग व्हाट आई एम सेइंग. सो कपल को एक दूसरे को जानना इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे की लाइक्स और डिसलाइक्स जानना इम्पॉर्टेंट है, नेचुरली आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है सेक्स को लेके वो जानना ज़रूरी है, दैट एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे पोर्नोग्राफी गिव्स यू अ डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो. वो आपको अलग अलग लेवल्स पे, क्योंकि ये दिल तो मांगे मोर ना एवरी टाइम, तो वो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग फ्लेवर के साथ, अलग अलग स्पाइस के साथ आपके सामने प्रेजेंट करती रहेगी, बिकॉज दे अर्निंग मनी आउट ऑफ इट, व्हाई विल दे नॉट. सो दे विल गिव यू सेक्स विद विमेन, सेक्स विद मेन, सेक्स विद बाय, सेक्स विद बोथ, थ्री सम्स एंड ग्रुप एंड पता नहीं कौन सी कैटेगरीज हैं. लेकिन जो रियल लाइफ में वो बता रहे हैं, क्या वो रियल लाइफ में होता है, मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या वो इंट्यूटिव होता है, क्या वो क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए हो रहा है, या तो बस अब एक लेवल एक्स्ट्रा चाहिए, एक लेवल और चाहिए, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, उसकी भूख में ये हो रहा है. तो जो सेक्स का एसेंस है, विच ब्रिंग्स टू सोल्स टुगेदर, टू पीपल टुगेदर इन टू यूनियन, वो तो हो ही नहीं रहा है, ये तो एक शारीरिक भूख बन गई. गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन भूख नहीं होनी चाहिए. यस यू लुक फॉर इट, दैट ऑर्गेजम का जो मोमेंट होता है ना, वो एक मेडिटेटिव स्टेट का मोमेंट होता है, जहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है, ना आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, ना अपने बारे में सोच रहे हो, ना कोई ईगो है, ना मैं कैसी लग रही हूँ, ना मैं कैसा लग रहा हूँ, देयर इज़ नो थॉट. वो एक वो जो few seconds, that is the state of meditation, that is the state of nothingness, wo hai orgasm. Aur agar itni pure pious cheez ko agar aap ek physical lust aur bhook aur spice mein badalne ja rahe hain, to then it just becomes like okay chalo theek hai orgasm ho gaya. To it's, you know what I'm saying, pornography can be considered sex education only when there is nobody else to talk to you about it. अगर आप जाके pornography देख रहे हैं, लेकिन अगर आप act को छोड़ के, या तो method को छोड़ के, या तो okay उसने ऐसे try किया, लेकिन क्या हम कर सकते हैं, हम comfortable हैं या नहीं हैं, वो ना समझ के और सब अगर लेने लगे, ये लड़की तो कितनी पतली है, ये लड़की तो कितनी गोरी है, ये लड़का तो क्या मैचो है, आई मीन हिज यू नो पीनस इज सो लॉन्ग एंड हर ब्रेस्ट आर सो बिग, एंड इफ दैट इज ऑल व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न आउट ऑफ इट, देन यू हैव नॉट लर्नड एनीथिंग, देन देयर इज नो एजुकेशन. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप पोर्नोग्राफी क्यों देख रहे हैं. और अगर पोर्नोग्राफी आप इसके लिए देख रहे हैं क्योंकि आप सिंगल हैं, आपको सेक्सुअल टेंशंस हैं, आपको डिज़ायर्स हैं, देन इट्स अ रॉन्ग रीज़न. यू विल गेट सो बोर्ड इन अ फ्यू इयर्स, जब पार्टनर मिलेगी ना, यू विल जस्ट बी लाइक हाँ ठीक है, जो भी मुझे मालूम है मुझे ट्राई करना है, वो बॉन्डिंग, वो कनेक्शन होगी ही नहीं. तो वहाँ पर एजुकेशन का फिर बैंड बजता है,
You know what I'm saying? So exploring your sexuality, knowing that, okay, aisa bhi ho sakta hai, aisa bhi kar sakte hain. Maybe, you know, if there is a different gender shown or different combinations shown, and you realize that, okay, my sexual orientation is different than what I thought. Agar bhai dekh rahe hain aap aur agar pata chala ke, haan, you know, I may also be bi. Let me see, let me try, let me figure it out for myself. To alag baat hai. Lekin fir agar aap dusri cheezon pe dhyan rakhenge to takleef hogi. Very quickly, let me take some comments and questions and I will continue. Stay with me, don't go anywhere. Okay, good morning everybody. Ashish, Jipal, Niren, Akash, Jalpreet, Pankaj, Sachin, everybody, good morning. Thank you. It's a very fresh topic. Thank you, Jipal. Porn watching is mental sickness. It weakens us. Let's control this. Haan, kuch bhi cheez, Krishnaveer, agar... जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आपको एक डिश बनानी है, यस, उसमें मिर्ची डालनी ज़रूरी है, लेकिन अगर ज़्यादा मिर्ची डाल दी तो क्या होगा? आपको मीठा अच्छा लगता है, लेकिन फिर मीठा ही खाने लगे तो कैसा होगा? यस, आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन अगर कुछ भी, anything that is more than needed and more than you should be taking in is bad for you. Porn watching genuinely is not okay. I agree completely with Krishnaveer. Lekin I understand little bit kyun log porn dekh rahe hain. So that is why me and Goki have decided ke hum education ko alag level pe leke jayenge aur hum jo couples ko nahi malum hai wo aapke samne present karenge. Don't go to porn, come on Goki. Not to see anybody doing the act here, but getting educated about what you want to know. Because jo wo heroine aur hero movies mein na, वैसे आपके घर में तो है नहीं. ना ही आप वो heroine है, ना ही आप वो hero है. तो सामने वाला भी तो वैसा नहीं ही होगा. You know. तो ये ज़रूरी है समझना कि हम कौन हैं, हमको क्या अच्छा लगता है, हमारी desires क्या हैं. So well said, but being a little empathetic, I can just little understand. नहीं पंकज, अभी तक पूरा कामसूत्र नहीं पढ़ी हूँ मैं. एक दो बुक्स पढ़ी है लेकिन नहीं, आई मीन वो कामसूत्र अगर मिल जाए जो ओरिजिनल है तो हेलो एवरीबॉडी वंस अगेन. आप बिल्कुल सत्य बोल रही हैं सिस्टर. थैंक यू अरविंद, थैंक यू. आई एम ग्लैड दैट यू ऑल आर कनेक्टिंग एंड यू ऑल आर अग्रीइंग विद मी, यू ऑल अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, सो थैंक यू. बॉन्डिंग तो बेडरूम में भी हो सकती है ना, सबके सामने ही क्यों करना है, थोड़ी डिसेंसी भी मेंटेन करनी चाहिए ना. वही बता रही हूँ राजेश, वही बता रही हूँ. अपने पार्टनर के साथ सिर्फ हाथ पकड़ना या एक हग दे देना, उसमें इनडिसेंसी नहीं होती है वो एक. और बेडरूम में जब सेक्स और टचिंग सिर्फ बेडरूम में हो जाता है ना, वहीं पे तो बोर्डम आ जाता है, वहीं पे फिर आपको बाहर का खाना अच्छा लगता है. बिकॉज देयर इज नो अदर थिंग दैट यू आर डूइंग विद योर पार्टनर. इंटीमेसी इज नॉट इन द बेडरूम, इंटीमेसी इज आउटसाइड द बेडरूम ऑल्सो. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझनी ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ बेडरूम में होती है, वो इतनी लिमिटेड भी हो जाती है. और क्यों नहीं हाथ पकड़ना चाहिए या क्यों नहीं हग करना चाहिए? मैं कहाँ बोल रही हूँ कि जाके सेक्स कीजिए आप सबके सामने. आई एम नॉट सेइंग दैट. ऑल आई एम सेइंग इज अस जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ यू नो, सी सम पीपल आर फिजिकल, सम पीपल्स लव लैंग्वेज इज द टच, सम पीपल लाइक टू लिसन ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स या तो डर्टी टॉक्स या तो यू नो, कुछ हस्बैंड या वाइफ ने कुछ अच्छा बोल दिया, कोई भी पार्टनर हो, नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ, कुछ अच्छा बोला मेरे लिए, हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, हमें अच्छा लगता है. बिकॉज दीज आर ऑडियो पीपल, सम पीपल लाइक टू वॉच, हम तैयार होते हैं उनके लिए, वी वॉन्ट देम टू लाइक अस, सो वी डू ऑल दैट फॉर आर पार्टनर्स. सो सम पीपल आर अबाउट टच, उनको छूना अच्छा लगता है. तो अगर वो पार्टनर सबके सामने उसको एक छोटा सा साइड हग दे दे, या तो जाने के टाइम पे एक हग दे दे, या तो एक यू नो सम फिजिकल, some physical touch. It's not necessary. I'm saying you should go and do it in front of people. I'm just saying ke agar ho bhi raha hai, to what is the big deal? Does not
I mean, does your family not know that you are a couple? So, what's the big deal? Decency maintain karna, I don't know what to call decency here. But I'm not asking anybody to strip and have sex or go to another level, which is a very private moment between a couple. Wo nahi bol rahi hu main. Lekin thoda sa affection, especially agar ek koi bhi ek partner ko wo physical touch acha lagta hai, it's very important. Okay. Kuldeep, I hope I have also answered your thought. It is a good topic. Thank you. Porn is banned in India, I guess. Nirin, ban hua tha, lekin wo lift ho gaya. Because kafi huha hui uske baare mein. Ke agar aap ban bhi kar rahe hain, lekin logo ko to milna hi hai. Ban was for another reason actually. Child pornography bahut hi rampantly spread ho rahi hai. And we are not okay with that. Uski wajah se wo specifically to curb that part, ban ko bulaya gaya tha, but it's lifted. Awesome. Hey, agree with you. Thank you. Lekin sister, sex soul ko niche girta hai. Arvind, naturally na, agar kuch bhi mila hai, to wo kahin pe bhi kuch bhi ganda nahi hai. Sex is not something we have invented. Sex is natural. We are sexual human beings. Jo sexual urges hai, ya desire hai, ya nature hai, usne hame sex diya hai. Wo ganda nahi hai. Aur wo soul ko aapko kahin pe bhi niche nahi gira raha hai. Aap koi bhi religion dekhe, aap koi bhi books padhe, there are levels of a human life, a human cycle. And they all say childhood is about this, adolescence is about this, then there is married life, there is sansar, and then there is, okay, now work towards enlightenment. Agar aapke paas experience nahi hai kuch bhi, and if somebody is just influencing you, then how is that going to work? Okay, it is about your own self-understanding, your enlightenment, and sex is a part of your life. It is not your life. It's a part of it. Until you don't experience and complete with it, you will not be able to go to the next level. Soul has nothing to do with the body. The body is different. The soul is different. Ye lamba charcha hai, lekin kuch bhi jo naturally di gayi hai humans ko, wo kahin pe bhi soul ko niche nahin girata hai. Gussa girayega, aapke karma, whatever, you know, like this is the enlightenment we need. Sex is not bad. Sex is not bad. Overdoing sex or only thinking about sex or wanting it like a hungry wolf is something that we need to work on. So something is not okay with us. Lekin addiction is bad. Sex is not bad. Sex is not bad, right? Hi, very good morning. Is it bad thing to watch porn? So Jipal, wahi bol rahi hun ki क्यों आपको देखना है उसको अगर आप फिगर आउट कर सकेंगे तो आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे. इट इज, आई वोंट कॉल इट अ बैड थिंग, आई विल कॉल इट एन अननेसेसरी थिंग. यू डोंट नीड टू वॉच पॉर्न. यू जस्ट नीड टू गेट एडुकेटेड बाय द राइट पीपल, बाय द राइट रिसोर्सेज, एंड एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोर विद द पार्टनर. ब्यूटिफुल थिंग्स विल कम आउट ऑफ इट. ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल दैट इवन पॉर्न कैन नॉट गिव इट टू यू. बट वो सीखना पड़ता है. दैट्स अ स्किल, दैट्स एन आर्ट, एंड दैट इज वॉट वी हैव टू लर्न. राइट एडुकेशन बाई गोकी एंड नियति, नेवर सीन सच अ सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू जग, एंड प्लीज मैंशन दिस इवन ऑन एन ई मेल और कस्टमर सर्विस. मार्क अस, टैग अस, डू समथिंग, बट लेट दिस गो ऑलराइट टू पीपल. I think watching porn also arouses desire to have multiple partners, which is unhealthy and may lead to STDs. So that is what I'm saying. The porn will take you to different rooms. You know, ye room mein ye bhi hai, ye room mein ye bhi hai. So restaurant mein gaye, menu card dekha, confused ho gaye. Aaj ye try karna hai, aaj wo try karna hai. Fir pata chala jo main khichdi khani chahiye, wo to hum kha nahi rahe. Tabiyat bigad rahi hai, and then ta 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 ta. मल्टीपल पार्टनर्स के बारे में मैं आर्ग्यू नहीं करूँगी, लेकिन डेफिनेटली हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो मल्टीपल पार्टनर्स नॉट एट द सेम टाइम. स्टे कमिटेड टू वन पार्टनर दैट यू हैव इन योर लाइफ राइट नाउ. येस, थिंग्स डिडंट वर्क आउट, यू नॉट टुगेदर, मूव ऑन टू अनदर वन, दैट्स फाइन. बट स्टे कनेक्टेड टू दैट वन पर्सन हु इज इन योर लाइफ राइट नाउ एंड एंजॉय इट. एंजॉय दैट रिलेशनशिप. ओके, या
थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन, हाउ कैन वी मेक आवर सेक्स लाइफ बेटर. मोहित पहले तो है ना आँख बंद करके अंडरस्टैंड कि तुमको क्या चाहिए, नॉट लाइक ऑर्गेजम चाहिए, मल्टीपल पार्टनर्स चाहिए, नॉट लाइक दैट. हाउ डू आई पुट दिस, अंडरस्टैंड. ओके लेट्स स्टार्ट हियर. अंडरस्टैंड वॉट काइंड ऑफ सेक्स डू यू लाइक, वेयर आर योर एरोजीनस जोन्स, who is your partner, what is that partner bringing into your life, how is your relationship other than sex with that partner, how are you as a person, you know, as in koi agar issues hain, concerns hain, usko resolve kijiye, because everything is connected. Continuously bring yourself on a higher platform of enlightenment and see how beautifully your sex life becomes, like literally graph aise jayega aapka. It'll become so much better because happy people make happy sex. It's a good line. I'm going to use this. Happy people make happy sex. Yes. Really? Really? It is like that. Agar man mein khushi hai, dil mein khushi hai, to sirf khushi baatoge na? Then it's all of that. Okay, I have taken all the comments and questions. So very... I do know there are couples who are watching porn to understand ki kaise karte hain, kya karte hain. My only request and my suggestion to all you people who are watching porn is to understand that you are trying to replace the natural curiosity with something that may give you something that you don't want. It may show you the method of how to do it, but it does not talk about a lot of important things. It will not tell you lubrications use karna. It will always show a man with the erection for half an hour, which is not true. They take so many retakes. We don't get retakes. All right. So, ye sara dheere dheere aapko samajhna zaruri hai ki it is not for us. And it is not, it does not let you connect with your partner. You have unrealistic expectations with your partner. Unrealistic expectations. ऐसा दिखना चाहिए, ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. Don't get into it. And is girls also desirable like boys for sex? Oh yes, Shantanu. Even girls have a lot of desire, but अपने culture में और हमारे आजू बाजू society में, if a woman is saying that I have a desire for sex, you can imagine how she's seen upon. Today as a woman, when I'm talking about topics like this, do you think I don't get messages? Of course I do. But it is not that I'm a bad person. I just want to bring this education out. Women को भी desires होती हैं. Women are also for boys, for girls, whatever their orientation is about. But jaisa hi ek man, purush, insaan hai, waise hi aurat insaan hai. That is why they are two. They need each other. They have to be together. So please, is masturbation healthy? Yes, Jipal, it is healthy till it is not affecting your daily life, daily routine. You're not getting addicted to it. Till then, it is okay. What about when we go for infidelity? अब आशीष, अगर promise किया है, contract sign किया है, तो आप बताओ contract तोड़ना चाहिए क्या? Are you okay if your wife goes out or if your husband goes out, if your partner goes out? Think about it. See, when we are in the situation ना, हमको लगता है कि हाँ ये ठीक है, होता है, लेकिन क्या हम accept कर पाएंगे? और अगर कर पाते हैं तो contract change कीजिए. Make sure that you're putting it out there in writing that we are okay with both of them. Legal bana dijiye. See if that can happen. Have one partner at a time. You don't know what kind of energies you're bringing in, what kind of, if that person is also having multiple partners. What are you bringing in back to the family? And if you have family with this one person, then you are also giving it to the family somewhere. To wo aapko hak nahi hai. Wo aapko hak nahi hai. If you fall ill just because you have somebody who's also sleeping with somebody, and you cannot guarantee ki nahi mujhe malum hai ki wo kahin aur nahi jata ya wo kahin aur nahi jati, you cannot guarantee. Even your partner must be feeling like that. So if you have a partner, make life spicy with that partner. And if you want to go for multiple, then have it one after the other. Don't stay committed to anyone. Don't promise anybody a life together. We have no rights to ruin
other people's lives. That's not who humans are. We are nice people. We don't hurt. Yes, we have the right to be who we want to be, but we don't have the right to hurt somebody. So keep that in mind. Ma'am, I want to sex a lady and he also wants sex with me, but both not tell. Saroha, I have not understood what you are trying to tell me. Please put it in arena and come back to me. Please take water. Arvind, kisko bol rahe ho aap aur kaun sa pani? What is lubricants? What is lubricants? Lubricants, Aditya, aisi cheez hoti hai jo aap okay. वो जेली फॉर्मेट भी हो सकती है, वो कोकोनट ऑयल हो सकता है, वो ऑलिव ऑयल हो सकता है, जो आप पीनस पे आप यानी मैन अप्लाइज इट ऑन हिज पीनस बिफोर एंटरिंग अ वुमन, बट नॉट एवरी टाइम यू हैव टू डू इट, ओनली इफ द वुमन इज ड्राई. अगर वुमन का वजाइना ड्राई है तो ये लुब्रिकेंट्स पीनस पे लगा के देन यू एंटर द वजाइना. लेकिन अगर आपके पास आर्ट और स्किल है कि आप अपनी पार्टनर को, फीमेल पार्टनर को अराउज कर सके, तो वो नेचुरल उसका वजाइनल वॉल जो होता है वो नेचुरल लुब्रिकेंट्स प्रोड्यूस करता है, तो आपको बाहर का ये कोई भी लुब्रिकेंट ज़रूरी नहीं है. सो जस्ट अराउज द वुमन इनफ दैट शी लुब्रिकेट्स हर ओन वजाइना एंड देन द मैन कैन एंटर. क्योंकि ड्राई वजाइना में एंटर करने से आपकी स्किन रब होती है दोनों की, बोथ ऑफ यू ऑल कैन कैच इन्फेक्शन, यू ऑल कैन हैव रैशेज. सो दैट इज़ वॉट लुब्रिकेंट्स बेसिकली इज टू अलाउ स्मूथ पेनिट्रेशन. जी मेरे पार्टनर का सेक्स करने का मन कम करता है, क्या करे? तो सुनील जी, काफ़ी कुछ रीज़न्स हो सकते हैं कि क्यों उसका मन नहीं कर रहा है. तो एक ओपन कम्युनिकेशन लाइन खोल दीजिए, एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन बात कर लीजिए उनके साथ कि उनको क्यों अच्छा नहीं लगता है, कि कहाँ पे कंसर्न है, प्रॉब्लम है. एंड मेक श्योर दैट शी माइट नॉट ऑल्सो टेल यू, यू नो ही और शी माइट नॉट टेल यू कि नहीं बताना है आपको. सो टेक प्रोफेशनल हेल्प एंड सी वॉट यू कैन डू अबाउट इट. बट इट्स अ टैबू टॉपिक इन योर सोसाइटी. नो बडी सो मच टॉक अबाउट इट. वही तो बता रहे हैं हम. I admire you teaching about something no one really talks about. Thank you, really helpful. Thank you, Nikhil. Thank you. It's a motivation for us that yes, people are getting education, people are getting their answers, and I was helpful. Thank you, everybody. Bada maza aaya aaj. Bahut sare comments aur questions aaye. To Fel ka class bhi shuru ho gaya rahega, and I want you to go attend his class too. We have amazing coaches on GOQii Play, and I request you. अपने हेल्थ को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड सेक्सुअली हेल्दी रहें. एंड आई विल सी यू बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग 10 o'clock. थैंक यू एवरीबॉडी. एंड बाय द वे, आज आपको मालूम है ना 17 का खतरा? यस, वी आर लुकिंग इनटू इट. गो ऑन टू द होम पेज एंड लुक फॉर इट. ऑलराइट, टिल देन आई सी यू सून टुमारो. बाय.